हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के पुराना बस स्टैंड सब्जी मंडी के पास राणा वाइन के कार्यालय में गन पॉइंट पर लूट की वारदात का समाचार प्राप्त हुआ है। बताया जा रहा है कि लुटेरे 10 लाख के करीब नकदी लेकर फरार हो गए हैं। इस दौरान लुटेरों ने 4 राउंड फायर किए। पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने में 4 लोग शामिल थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने के लिए नीले कलर की गाड़ी का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने गोलियों के 3 खोल बरामद किए हैं। पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच जारी है। हाँ जी, तो एक लड़का आके ऊपर चला गया, फिर दूसरा आया ऊपर चला गया, फिर दो आके वहाँ पे खड़े हो गए बाहर गेट पे। तो पीछे पीछे भौजी आ गए, तो भौजी पूछने लगे कि क्या बात है, किससे मिलना है। तो कह रहे अभी बताते हैं। तो फिर एक ने इधर से निकाला, एक इधर से निकाला, पिस्तौल निकाल के भौजी को घसीटते हुए लेके आए। मैं भी भागते हुए यहाँ आया, तो मेरे को भी पकड़ के भौजी को और मेरे को इधर पिस्तौल लगा के इधर दबोच लिया। तो ऊपर से फिर थैला लेके आ गए, तो ये भी हमें छोड़ गए। फिर दो चारों बाहर निकल गए। अच्छा जी, तो हमने फिर ये दरवाजा तो बंद कर दिया, तब तक तो वो निकल गए। कैश ऊपर से लेके आए? ऊपर से, ऊपर ये दो बंदे थे वो क्या गिनती कर रहे थे। अच्छा जी, बोल के हम बस वो भर के लेके गए। अच्छा जी, बस उसके बाद तो हमने ये दरवाजा बंद कर दिया, फिर वो निकल गए। तो फिर इधर उधर फोन कितने बजे की घटना है? कितने बजे? 8:30 बजे। कितने बजे हुआ, कितने लोग थे और किस कितना जो है? सर 8:18 पे हुआ है। हम ऊपर कैश इकट्ठा कर रहे थे, उसी के दौरान दो लड़के ऊपर आए, दो नीचे खड़े हुए थे। तो उन्होंने आके सीधा मेरे और मेरे जो साथ में लड़का कैश था, तो उन्होंने आके पिस्टल झपटी और जो भी हमारा कैश पड़ा था तो सारा ले गए। तो कितना कैश मिले सर? ये 9-10 लाख के बीच में। तो पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। गाड़ी नंबर आपने नोट किया कोई? जी सर, PV 70 87 51 बलेनो गाड़ी है सर, ग्रे कलर। तो कोई अगर लड़कों को आप देखेंगे तो पहचान लेंगे? जी सर, जो जितना हमारा गैस है, जो जितनी शक्ल देखी गई है, अगर हमारे सामने तो पहचान सकते हैं। तो सुनने में आया कि फायरिंग भी की? जी सर, 4 फायर किए उन्होंने। तो कोई नुकसान किसी को? नहीं सर, लगा नहीं किसी पर। उन्होंने फायर किए थे, वो नीचे किए उन्होंने, पैर पे फायर किए थे, पर लगा किसी का नहीं। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट।